हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइड किक के ऊपर। और एक्चुअली मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू किया है मैंने अपकमिंग खेल के लिए, और इसीलिए आप देख भी सकते हैं बहुत सारा पसीना है और फिलहाल मैं इतना फ्रेश भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना ट्रेनिंग के साथ आप लोगों को जुड़ना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वो आपको दिखेगा मैक्सिमम मतलब फुल कॉन्टेक्ट गेम में जहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कॉम्बैट स्टाइल में आपको साइड किक दिखेगा ही। बहुत 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 अच्छे अच्छे फाइटर्स साइड किक यूज़ करते हैं। इवन ब्रूस ली का सिग्नेचर मूव भी साइड किक था, स्टेपिंग साइड किक था। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि साइड किक एकदम सही तरीके से कैसे किया जाता है और सबसे इफेक्टिव के लिए जो सीक्रेट्स बोलते हैं ना, वो सीक्रेट क्या होता है साइड किक का इफेक्टिव के लिए। क्योंकि बहुत लोग साइड किक करते हैं लेकिन साइड किक इतना डैमेज भी नहीं दे पाता और मैक्सिमम किक की कैच हो जाता है, स्लो हो जाता है इसलिए कैच हो जाता है, या फास्ट करने से भी कैच हो जाता है। साइड किक कैच करना बहुत ईजी होता है और आप बैलेंस में नहीं रहते, एक लेग के लेग पे आ जाता है ना लेग, तो बैलेंस में नहीं रहते। तो बैलेंस रख के पूरा फुल बॉडी का मोशन रख के सबसे शॉर्ट टाइम पे सबसे ईजिली साइड किक किया कैसे किया जा सकता है और एज ए फाइटर कैसे हम लेते हैं साइड किक को, वो आप हमको देखा वो दिखाएंगे। आप शो के लिए नहीं, शो के लिए साइड किक अलग दिखेगा और जब हम डैमेज देने जाएंगे तब थोड़ा अलग दिखेगा। तो देखिए, जब हम साइड किक करते हैं बहुत लोगों का मेन मिस्टेक होता है साइड किक का ये वाला मोशन, ये वाला वो राउंड हाउस वाला मोशन ही करते रहते हैं। जैसे कि सपोज हम स्टेपिंग साइड किक में दिखाता हूँ, स्टेपिंग में एक स्टेप लेके ये वाला ऐसे करके ये उठा के ये ऐसा, सपोज ये साइड किक है ओके। तो इसमें क्या करते हैं लोग, ये उठा के ये करते हैं, ये जो टाइक्वांडो में थोड़ा ज़्यादा होता है, टाइक्वांडो के लोग ऐसे 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 करते हैं ना, तो ये वाला कॉम्बैट में आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आपका हिट नहीं होगा। तो कॉम्बैट में क्या करना है, कॉम्बैट में साइड किक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हिप को यूज़ कीजिए। मतलब स्कूटी में बाइक में कैसे किक करते हैं देखा है शायद, ऐसे किक किया जाता है ना ऐसा हिप के मोशन से, ऐसे तो नहीं किक किया जाता, ऐसे थोड़ी बाइक में करते, ऐसे नहीं करते। तो आप किक में भी इधर में भी आप ये वाला मोशन रख के हिप के साथ ये वाला, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक, एक मिस्टेक करते हैं लोग, मिस्टेक नहीं ये काम भी आता है बहुत जगह में, इवन ब्रूस ली भी ऐसे ही करते थे। तो मैं इसको बहुत लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे ब्रूस ली को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन ब्रूस ली के टाइम में ऐसा डेवलप नहीं हुआ था, ऐसा सिस्टम, ऐसा एमएमए जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए शायद उस टाइम पे ये एप्लीकेबल था। लेकिन फिलहाल एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको हमारा स्टाइल। तो ब्रूस ली कैसे करते थे, बहुत ऊपर लेग को रखते थे, जैसे ये हो गया, ये वाला मोशन हो गया, स्टेपिंग करके ऐसे लेते थे और उसके बाद ऊपर में चेस्ट लेवल पे ये वाला किक करते थे। ऐसे क्या होता है आजकल स्पेशली सांडा में आपको ज़्यादा दिखेगा, हम ऐसे रहते हैं ना, बॉडी को हम इल्यूजन क्रिएट करने के लिए थोड़ा इनसाइड रखते हैं। तो जब किक लैंड होता है हम यूजुअली कैच करते हैं, जब किक आता है तो ऐसे ऐसे कैच हो जाता है। तो जब कैच होता है तब हम डायरेक्टली कैच करके फिर किक कर देते हैं, थ्रो एक टेकडाउन होता है ये। तो साइड किक उस टाइम पे साइड किक का जो 100% पोटेंशियल है, जो डैमेज देने वाला मतलब एबिलिटी है, वो कम हो जाता है। प्लस आप जब बहुत ऊपर करेंगे ना, यहाँ से ऊपर करेंगे, रिब केज होता है, चेस्ट होता है, यहाँ का मसल बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और यहाँ पे आपको गार्डिंग भी रहता है। जैसे कि इधर हो गया तो इधर पे आप गार्डिंग दे सकते हैं, लेकिन सबसे मतलब ये कौन सा है, मतलब वीक पॉइंट कौन सा है, इससे सोलर प्लेक्सस के नीचे से है ना, सोलर प्लेक्सस यहाँ पे है, हमारे रिब ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ का नीचे यहाँ से यहाँ तक सबसे वीक पॉइंट है। आप अगर रियल लाइफ में हो तो ग्राउंड में भी मार सकते हैं। तो ये वाला मेन हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि ये चेस्ट में मार के कोई फायदा नहीं, और कैच भी होगा, पुशिंग ज़्यादा से ज़्यादा पुशिंग होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो कोई कोई लोग बोलते हैं ना, पंच करके ये हार्ट को रोक देता है, हार्ट बीट रोक देता है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे हमारा रिब केज होता है, उसके ऊपर चेस्ट का मसल होता है, इतना ईजी नहीं होता हार्ट पे पंच करके किक करके किसी का हार्ट को स्टॉप कर देना। हो सकता है शायद वो मेल न्यूट्रिशन हो, शायद वो बहुत ही पतला हो, तब हो सकता है। तो मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ, जब हम किक करेंगे ना साइड किक, आप देखिएगा साइड किक ये वाला मोशन करके, मैं ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहा हूँ ताकि बस कॉन्सेप्ट को पता चले, या फिर बैक साइड किक इस मोशन से बैक करके ये
ये वाला साइड किक हो गया, ब्रूस लीक ऐसे कर देते, ऐसे करके ऐसे कर देते, मैं क्लिप भी दिखा दूंगा ब्रूस लीक ऐसे कर देते। तो मेरे ख्याल से ऊपर से लेने से ज्यादा आप नीचे से लेना चाहिए। सपोज आप इधर है ना, आपका लेग अगर ऊपर ऐसे उठ गया तो प्रेडिक्टेबल है भैया, आपका ओपोनेंट डायरेक्टली आपका पता चल जाएगा कि ये लेग उधर है, तो कैच के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ से जाके बस यहाँ से इस एंगल से यहाँ पे, मतलब नीचे से ऐसे, हिप का भी पावर रहा, नीचे से भी आया और लेग देख भी नहीं पाया, जब लेग आएगा तब देख भी नहीं पाएगा। तो ये वाला, तो सपोज यहाँ पे नहीं लगा, ड्रॉइंग पे भी लगा, तो रियल लाइफ में तो काम तो आएगा ना, रियल लाइफ में तो आपका उल्टा कैच नहीं होगा, तो फास्ट भी हुआ, क्विक भी हुआ, नीचे रहा कि ये हो गया, फिर या फिर अंदर से, मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि आप जितना हो सके कैच करने का सुविधा मत दीजिए ओपोनेंट को, अंदर से किक कीजिए यहाँ पे या फिर बैक साइड किक यहाँ से, तब वो कैच नहीं कर पाएगा, प्लस आप डैमेज भी दे पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता था, और मैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा टायर्ड भी हुआ आज। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में और सजेशन हो ये कि कैसे ये थोड़ा आपको मिस्टेक लगा कहीं पे, क्या ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ये थोड़ा गलत लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हूँ, और आप मेरे ट्रेनिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।